आप सबने ये मुहावरा सुना तो होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये मुहावरा कैसे बना? आए आज इसकी तारीख जानते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अकबर बादशाह की अंगूठी खो गई। अकबर बादशाह बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि ये उसके बाप का तोहफा और निशानी थी। जब बीरबल दरबार में पहुंचा तो अकबर ने सारा माजरा उसको सुनाया और उससे कहा कि तुम बहुत सियाने बनते हो ना, अब जरा हमारी अंगूठी ढूंढ कर दिखाओ तो हम तुमको जाने। बीरबल बोला, जा फना, आप फिक्र ना करें, आपकी अंगूठी अभी मिल जाएगी। आपकी अंगूठी दरबार में ही मौजूद है और किसी दरबारी ने उसे अपने पास छुपाया हुआ है। और ये चोर दरबारी वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका अटका हुआ है। जिस दरबारी के पास अंगूठी थी वो खौफजदा हो गया कि कहीं उसकी दाढ़ी में तिनका तो नहीं, और गैर इरादी तौर पर उसका हाथ अपनी दाढ़ी की तरफ उठ गया। बीरबल की तेज निगाहों ने फौरन उस दरबारी को भांप लिया और उसकी तरफ इशारा करके बोला, जा पना, यही वो चोर है जिसके पास आपकी अंगूठी है, उसकी तलाशी ले लीजिए। दोस्तों, जब उसकी तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हो गई, अकबर बादशाह बड़ा हैरान हुआ, भला बीरबल को चोर का पता कैसे चला? इसीलिए मशहूर हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो भी मुजरिम होता है उसका जमीर हमेशा खौफजदा होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।